चाय बेचने वाला लड़का जब देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भी बचपन का वो संघर्ष नहीं भूला। लाल किले की प्राचीर पर भी चाय बेचने वालों की बात पहुंच ही गई। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे इधर अपनापन महसूस होता है। चाय बेचने वालों से नरेंद्र मोदी का अपनापन होना लाजमी। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई बार हरे मंच से यह कबूल किया कि बचपन में उन्होंने चाय बेची। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां पड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। बचपन में नरेंद्र मोदी ने दो जूट की रोटी के लिए चाय बेची थी, लेकिन आंखों में जो सपने थे उन सपनों को मरने नहीं दिया। जिंदगी इम्तिहान लेती रही, लेकिन मोदी आगे बढ़ते गए। चाय वाले की यात्रा लाल किले तक पहुंच गई। चाय बेचना रोजगार था तो सेवा, उस सेवा भाव का साथ लाल किले तक पहुंचकर भी नहीं छोड़ा।